Honorable President Saab and respected members all present here. मेरा नाम राहिल है और मैं जम्मू कश्मीर से आया हूँ. मुझे बहुत अच्छा लगा कि हमने आगरा देखा, दिल्ली देखी और बाकी स्टेट्स देखे. जो हमने बुक्स पे पढ़ा था वो अब हमने अपने आँखों से देखा और हमने अपने आँखों से देखा कि सच में जो ताजमहल, शीश महल, आगरा फोर्ट, कुतुब मीनार है वो सबसे अच्छा है. हमने जो ताजमहल है वो हमने वो शाहजहां ने अपनी जो बीवी है अपनी बीवी के ब्लाउड वाइफ के लिए बनाया है क्योंकि वो उससे मोहब्बत करता था, इसलिए उसने ताजमहल अपनी यादगार बनाई थी. सच में ताजमहल एक खूबसूरत जगह है. फिर हम सबसे पहले हम गए जम्मू, जम्मू से लेकर आगरा हम गए. आगरा में हमने देखा यही ताजमहल और आगरा फोर्ट और आगरा से लेके हम जयपुर गए. जयपुर में हमने देखा शीश महल और हवा महल और वहाँ से लेकर फिर वापस आए दिल्ली. फिर दिल्ली में हमने देखा राष्ट्रपति भवन जो सबसे अच्छा मुझे लगा, ज़्यादा मुझे अच्छा लगा ताजमहल. और जो हमारे टीचर्स थे उन्होंने भी हमारी अच्छी तरह ख्याल रखा. और जो हमारे बाकी स्टूडेंट्स हैं हम जिनको हम जानते भी नहीं थे लद्दाख, जैसे कि लद्दाख से है, श्रीनगर से है, उनसे उनको हमने दोस्त बनाए और उनसे बातें किए. और सर एक रिक्वेस्ट है, परमिशन सर, जब यहाँ पर न्यू दिल्ली में जो मेट्रो ट्रेन है सर, फिर कश्मीर में क्यों नहीं है सर? वहाँ पर वो तो इतनी अच्छी वादी है सर. ठीक है सर, राष्ट्रपति भवन जो है सर वो क्यों बनाया गया और उसको कितना टाइम लगा बनाने में? ओके थैंक यू. A very cheerful good afternoon to Honorable President of India Ram Nath Kovind sir and other dignitaries present here. Today I am Diksha Sambyal from Samba, standing in front of you to express my views about this awesome and beautiful tour. Main is tour pe aayi, main iska hissa bani, mujhe bahut acha laga. Main aap sabse mili, specially sir aapse mili, ye main ek mere liye ek inspiration hai ki main bhi apne future mein kuch karu. मैं पहले आगरा गई, वहाँ पे मैंने ताजमहल देखा, वो बहुत सुंदर लगा. लेकिन उसके साथ ये भी फील हुआ कि हम जो पॉल्यूशन क्रिएट कर रहे हैं वो उसको येलो कर रहा है, वो येलोइश शेड में हो रहा है. उससे मतलब कि हमें हमारी हेरिटेज जो है वो डिस्ट्रॉय हो रही है. तो हमें अपने पॉल्यूशन को कंट्रोल करना चाहिए, मेरी सजेशन है आप सबको जो मैं देना चाहती हूँ. उसके बाद फिर हमने आगरा फोर्ट देखा, वहाँ पर एक हमें पीस, एक शांति महसूस हुई, बहुत मज़ा आया. और फिर हम वहाँ से जयपुर गए, जयपुर में हमने वो देखा, शीश महल देखा और हमने मतलब और भी बहुत सारी चीज़ें देखी, जल महल देखा और बहुत मज़ा आया. उसके बाद हमने वहाँ पे अजमेर शरीफ भी गए, हमें वहाँ पे एक अजीब सी मतलब स्पिरिचुअलिटी, एक अच्छी पीस वाली फीलिंग आई, बहुत मज़ा आया. और हमने वहाँ पे सूफ़ी संस की कवालीज भी सुनी, बहुत मज़ा आया उनको सुन के भी. और एक हमें एक इंस्पिरेशन मिली कि हमें मतलब कुछ करना है, कुछ आगे बढ़ना है और अपने देश का नाम ऊंचा करना है. और हमने वहाँ पे मतलब हमारा, मैं एक इंसिडेंट शेयर करना चाहती हूँ. मैं वहाँ पे हमारी मेरी फ्रेंड्स थी, हम तीन फ्रेंड्स थे, हमने वहाँ पे गोलगप्पे खाए. तो वहाँ पे एक अंकल आए, बहुत मतलब स्वीट से अंकल, उन्होंने हमें मतलब हमें गोलगप्पे खिलाए और हम जब बिल पे कर रहे थे तो उन्होंने हमें बिल नहीं पे करने दिया. तो इससे मुझे बहुत अच्छा लगा, बहुत ज़्यादा अच्छा लगा कि हमारे जो J&K का यूथ है उसको मतलब हमारे J&K ही नहीं बल्कि पूरा इंडिया सपोर्ट करता है. मतलब कि हमारे साथ लोग हमें बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट देते हैं, बहुत अच्छा लगा. उसके बाद फिर हम दिल्ली आए, फिर सर आपसे मिले, बहुत मज़ा आया. और नई नई जगह घूमी, नए नए लोगों को जाना, अलग अलग तरह की हेरिटेज, कल्चरल हेरिटेज देखी. तो
तो मेरे को बहुत मज़ा आया ये सब देख के, और मैं चाहती हूँ कि आगे भी ये सब कुछ होता रहे ताकि हमारे जो J&K का यूथ है उसको एक एक्सपोजर मिले, वो अपने टैलेंट को और निखार पाएँ। और मैं ये चाहती हूँ कि सर, जैसे हमारी यहाँ पे हमने पूरे इंडिया में, हम मैं ये खुश हूँ कि हमारा इंडिया बहुत जल्दी डेवलप कर रहा है, लेकिन मैं ये भी चाहती हूँ कि जो इंडिया में डेवलपमेंट्स हो रही हैं, हमारा J&K उसमें कुछ पीछे है, थोड़ा सा पीछे है। तो मैं चाहती हूँ सर आप उस पर ध्यान दें और हमारे J&K के बारे में भी कुछ सोचें, ताकि हमारा जो टैलेंटेड यूथ है वो अपना अपना टैलेंट जो है एक्सप्लोर कर पाए। तो थैंक यू, और मैं बहुत खुश हूँ सर मैं आपसे मिली। थैंक यू। ऑनरेबल प्रेसिडेंट सर एंड ऑल द मेंबर्स प्रेजेंट हियर, गुड आफ्टरनून। Sir, my name is Majid Farooq and I am from Jammu and Kashmir, District Shopian. Sir, मैं शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ जम्मू एंड कश्मीर स्टेट रिहेबिलिटेशन काउंसिल का और मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स का, जिन्होंने ये प्रोग्राम मुनक़द किया, वतन को जानो यूथ एक्सचेंज प्रोग्राम, जिसमें हम अपने वतन को जान सकते हैं और अपने हेरिटेज को जान सकते हैं। हमारे ये 12 दिन का टूर था। पहले हमने जम्मू में 3 दिन स्टे किया, फिर हमने अपनी अगली डेस्टिनेशन ज्वाइन की, हम आगरा के लिए गए। तो वहाँ पे हमने ताजमहल देखा, रेड फोर्ट देखा, वहाँ पे भी हमने 3 दिन स्टे किया। तो फिर हम आगे गए जयपुर में, वहाँ पे भी हम पहले शीश महल गए, फिर हम अजमेर शरीफ गए, फिर हमने अपने टेरिटरीज़ में से एक नागरा हवेली गए, और वहाँ पे हमने जाना कि जयपुर को क्यों पिंक सिटी कहा गया था। फिर हम वहाँ से वापस आए न्यू दिल्ली में, तो हमने वहाँ पे देखा, इंडिया गेट देखा, पार्लियामेंट देखा, वहाँ पे भी बहुत इंजॉय किया। हमने यहाँ की टेक्नोलॉजीज़ भी देखी जो कि हमारे कश्मीर में नहीं है। जैसे कि हम सब कहते हैं कि कश्मीर वो एक नेचुरल प्लेस है, उसको पल्यूट नहीं होने देंगे हम, मगर यहाँ पे हमने देखा पल्यूशन फ्री कार्स हैं, यहाँ पे हमने मेट्रो देखी, मगर कश्मीर में हमने ये कभी नहीं देखी। हम उसी कश्मीर से हैं जिसमें से शाह फैसल निकला है, जिसमें से हाशिम मंजूर है। हम अल्लाह से यही प्रे करेंगे कि अल्लाह ताला हमें भी तौफीक अता फरमाए कि हम भी उनके जैसे बने। बाकी हम आपका शुक्रिया अदा करना चाहते हैं कि आपने ये प्रोग्राम स्टैंड किया, कि हम अपने दोस्तों को, जो कि यूथ एक्सचेंज प्रोग्राम है, इसमें हमने अपने स्टेट के बच्चों को जाना, उनके साथ फ्रेंडशिप की, जो कि हम अपने डिस्ट्रिक्ट में बैठ के नहीं कर सकते थे। बस थैंक यू सर। अगर फिर दोस्त बरोई जमी अस्त, हमें अस्तो, हमें अस्तो, हमें अस्तो। If there is paradise on earth, it is Kashmir, it is Kashmir, and it is Kashmir. Good afternoon to everybody. So I am Asfar Majid from Kulgam, Jammu and Kashmir. Sir, ये जो program वातन youth exchange program वातन को जानो है, जो कि government of India as well as state government ने organize किया है, इससे हमें बहुत सारी knowledge हासिल हुई। इससे हमने अपने स्टेट देखा, अपने कंट्री के स्टेट्स देखे, अपने कंट्री के अलग अलग स्टेट्स के रहने वाले देखे, उनका रहन सहन देखा। हमने जो आज तक किताबों में पढ़ा था, किताबों में लिखा था, किताबों में सुना था, वो आज हमने अपनी आँखों से देखा इस प्रोग्राम की बदौलत से। सर, पहले हम निकले जम्मू, श्रीनगर से जम्मू, वहाँ हम अपने स्टेट के अलग अलग डिस्ट्रिक्ट्स के आए हुए बच्चों से मिले, उनको अपना दोस्त बनाया। बाद में निकले हम वहाँ से, तो हम आगरा गए, दिल्ली गए, वहाँ पे ताजमहल देखा, शीश महल देखा, जल महल देखा, ताजमहल देखा, जो कि सिंबल ऑफ लव है। वहाँ से हमें ये मिला कि हमें आपस में एक दूसरे को लव करना चाहिए, किसी के साथ बुरा नहीं करना चाहिए। सर, जो कि आज तक बच्चे हैं, जो कि अपने डिस्ट्रिक्ट से बाहर नहीं निकले थे, अपने जोन से बाहर नहीं निकले थे, उनको मौका मिला अपनी कंट्री को देखने का,
अपनी नई दुनिया को देखने का, जैसे हमने एक ख्वाब देखा था, हमने कभी ख्वाब में भी नहीं सोचा था कि मैं अपनी सिटी से बाहर जाऊंगी, अपने स्टेट से बाहर जाऊंगी, अपनी कंट्री को देखूंगी। सर इसलिए हम आपसे आपको शुक्रिया अदा करना चाहते हैं, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का शुक्रिया अदा करना चाहते हैं, एज वेल एज स्टेट गवर्नमेंट का भी शुक्रिया अदा करना चाहते हैं, जिसकी वजह से हम यहाँ पर पहुँचे, अपनी अपनी कंट्री को देखा। सर आप क्या, आप लोग कहते हैं कि हम जो कश्मीर है वो जन्नत है, हम भी उसी जन्नत के फूल हैं, और हमसे आपसे रिक्वेस्ट है, गुजारिश है कि हम जो कोई फूल है हमें भी खुलने का मौका मिले, हमें भी अपना जलवा दिखाने का मौका मिले। जैसे ही हम आगरा गए, दिल्ली गए, न्यू दिल्ली गए, जयपुर गए, वहाँ पे हमने देखी बड़ी बड़ी इमारतें देखी, बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स देखी, वहाँ पे मेट्रो देखी, इतनी अच्छी फैसिलिटीज़ है वहाँ पे, जिनको देख के लगा कि हमारे कश्मीर में कुछ भी नहीं है, वहाँ तो हमें इलेक्ट्रिसिटी नसीब नहीं होती है, इलेक्ट्रिसिटी नसीब नहीं होती है वहाँ हमें इलेक्ट्रिसिटी नसीब नहीं होती है। हम वहाँ से है जहाँ से शाह फैसल निकले हैं, डॉक्टर जितेंद्र सिंह निकले हैं, हम भी जिन्होंने अपने स्टेट का नाम रोशन किया, अपने डिस्ट्रिक्ट का नाम रोशन किया, अपनी कंट्री का नाम रोशन किया, हम भी इसी मुकाम पर पहुँचना चाहते हैं, जिसके लिए हमें अपनी गवर्नमेंट की मदद चाहिए। सर आपसे एक रिक्वेस्ट है कि ये जो ये प्रोग्राम है ये आगे भी जारी रहे, ताकि जो भी जम्मू एंड कश्मीर के गरीब बच्चे जो अपने डिस्ट्रिक्ट से बाहर नहीं निकल सके, उनको मौका मिले अपनी कंट्री को जानने का, अपनी स्टेट को जानने का पूरी। और लास्ट में एक बड़ी रिक्वेस्ट ये है कि हमें जो हमने अपने हम अपने स्टेट से बाहर निकले, हमें एक मौका मिले कि हम अपनी कंट्री से बाहर निकले। एंड थैंक यू ऑल ऑफ यू। आई एम दानिश अहमद फ्रॉम डिस्ट्रिक्ट कुपवारा स्टेट जे एंड के। आई एम वेरी ग्लैड टू टॉक इन फ्रंट ऑफ यू एंड एक्सप्रेस माय व्यूज अबाउट दिस टूर वतन को जानो। We were very glad to see the historical place of India, and monuments of India. We leave the Jammu and Kashmir state and reach Agra, and we see the Taj Mahal, Agra Fort, and other historical places, and we met the Home Minister, Union Home Minister Sir Rajnath Singh, and he interacted with us, and he gave us support that these programs will be will continue in the future, and we all thank to the state government and the government of India who gave us this chance to view our country and to interact with the other people of the country and see the historical place of our country. Thanks. Good afternoon, everybody. My name is Aisha Hilal. मैं जम्मू कश्मीर से आई हूँ। मैं वतन को जानो टूर पे आई हूँ। मैं यहाँ पर बहुत खुश हुई, हम बहुत सारे जगह पर गए, हम जयपुर में भी घूमे, दिल्ली भी गए, दिल्ली भी गए, और हमने ताजमहल भी देखा, अजमेर भी गए, आगरा फोर्ट भी देखा, जल महल भी देखा, हवा महल भी देखा, और शीश महल भी देखा, और हमने इंडिया गेट भी देखा, हम अजमेर भी गए, और हमने जू भी देखा। मैं बहुत खुश हुई, और यहाँ पर जो भी टीचर्स हैं मुझसे बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं, और यहाँ पर मैंने बहुत सारी फ्रेंड्स भी बनाई। प्यारे बच्चों, टाठो सूर्यावा, राष्ट्रपति भवन में आप सभी का स्वागत है। सचमुच ये जो बच्चे मुल्क के जम्मू कश्मीर के हिस्से से आए हैं, इन सब की बातों को सुनकर के तो बड़ों बड़ों को प्रोत्साहन मिलता है, और इन्होंने जो बातें की हैं वो दिल की बातें की।
बच्चों ने कहा कि हमने ताजमहल देखा, शीश महल देखा जयपुर में, हवा महल देखा, जल महल देखा। तीन महल जयपुर में हैं और एक महल आगरा में। आगरा का जो महल है वो ताजमहल। लेकिन मैं आप सभी बच्चों को बताना चाहूँगा, ताजमहल तो एक इट्स ए वन ऑफ द वंडर्स ऑफ द वर्ल्ड, लेकिन हिंदुस्तान के लिए और हिंदुस्तान के बाहर मुल्कों के लिए जम्मू कश्मीर जो है वो किसी ताजमहल से कम नहीं है। ताजमहल तो एक इमारत है, किसी की यादगार में बनाया गया, लेकिन जो जम्मू कश्मीर है उसको तो खुदा ने बनाया। खुदा ने उसका नाम जम्मू कश्मीर ज़रूर दिया है, लेकिन वो सही मायने में जन्नत है। और ये हर हिंदुस्तानी जम्मू कश्मीर को जन्नत मानता है। लेकिन एक हमारे बिल्कुल छोटा सा बालक राहिल माजिद, उसमें कितना ही वॉज़ फुल ऑफ कॉन्फिडेंस, और कितने कॉन्फिडेंस के साथ में बात कर रहा था। यहाँ पर जब लोग आते हैं तो शायद जिस दरबार हाल में आप लोग आए हुए हैं, यहाँ तो बड़े बड़े दूसरे मुल्कों के भी लोग आते हैं, हिंदुस्तान के भी लोग आते हैं, बड़े बड़े नेता भी आते हैं, उनको भी बोलने में दे फील लॉट ऑफ हेजिटेशन। लेकिन मैं उसकी दाद देता हूँ, इनका जो जज्बा है इन बच्चों का, जितने भी बच्चे बोले। लेकिन एक राहिल माजिद का सवाल था कि भाई मेट्रो के बारे में, लेकिन उसका तो मुझे जो बताया गया कि श्रीनगर से बनिहाल तक डीएमयू ट्रेन अभी कुछ साल पहले शुरू हुई है और जल्द ही सारे कश्मीर में भी ये डीएमयू ट्रेन शुरू हो जाएगी, इस प्रकार की सरकार की योजना है। लेकिन हम सब लोग जानते हैं कि खुदा ने तो जम्मू कश्मीर को जन्नत बनाया है, लेकिन जन्नत यदि जहन्नुम बन जाए तो कौन वहाँ पर जाएगा? आज जो मुख्य सवाल यही है, जम्मू कश्मीर का जो ट्रैफिक टूरिज्म है, टूरिज्म कम होता जा रहा धीरे धीरे। किसी ज़माने में मुझे लगता है, मुझे याद है कि मैं दो तीन बार कश्मीर गया, कश्मीर की वादियों में शिकारा, उसका हमने भी अनुभव लिया, नाइट हाल्ट की, वो दिन आज भी याद आते। लेकिन जब जो जन्नत है, जन्नत तो खुदा ने बनाया, जन्नत वहाँ के लोगों को, उसको जन्नत बनाए रखना वहाँ के लोगों की जिम्मेदारी है। यदि आप उसको जन्नत बनाए रखेंगे तो हर कोई आएगा। अभी जो प्रॉब्लम्स वहाँ पर हो रही हैं प्यारे बच्चों, वो कुछ दूसरे प्रकार की प्रॉब्लम्स हैं। आप अगर दिल्ली आ गए, आप अगर ताजमहल देख आए, आप अगर जयपुर हो आए, आप अगर अजमेर शरीफ हो आए, तो इसलिए हुआ है क्योंकि वहाँ पर अमन है, चैन है, शांति है। अगर वहाँ पर भी डिस्टर्बेंस होता तो जो ले जाने वाले हैं वो आपको नहीं ले जाते वहाँ पर। बात सही है ना? और यही सच बात जो है यही अप्लाई करती है जम्मू कश्मीर पर भी। जम्मू कश्मीर में लोग जाना चाहते हैं, जो लोग जाते हैं, बहुत सारे लोग कहते हैं कि मैं जम्मू तक चला जाता हूँ, अर्थात जम्मू में इतना डिस्टर्बेंस नहीं है जितना कि कश्मीर में। जम्मू किस लिए जाते हैं? वैष्णो देवी चले जाएं, उनका इरादा है कि
जब वैष्णो देवी गए हैं तो उसके आगे भी हम जाएं, लेकिन वो वहीं से वापस हो आते हैं। इस पर जो आपका जज्बा है, मुझे लगता है इस जज्बे को आपको शेयर करना है। आपका जो जम्मू कश्मीर के लोग हैं, बड़े बड़े लोग जो उम्र में, उनसे शेयर करना है कि हमने जो देखा वो काबिले तारीफ तो है, लेकिन वो हम सबके लिए, जम्मू कश्मीर के लिए भी एक उदाहरण है, वो भी हमें पेश करना है। और जिसको कहते हैं कि टूरिज्म के मामले में, खिदमत के मामले में जम्मू कश्मीर बहुत फेमस है, बहुत फेमस है। आप सभी लोग यहाँ आए राष्ट्रपति भवन में, मुझे भी बहुत अच्छा लगा आप सबको वेलकम करते हुए। मुझे बताया गया है कि आप सभी बच्चों को आपके ज़िलों से चुनकर भेजा गया, यू हैव बीन सिलेक्टेड। आप जैसे होनहार बच्चे ही आने वाले कल के भारत की तस्वीर बनाएंगे। जितना हक राष्ट्रपति भवन आने में आपका है, जितना हक दिल्ली वालों का है, जितना हक तमिलनाडु वालों का है, जितना हक केरल वालों का है, जितना हक उड़ीसा का है, नॉर्थ ईस्ट के स्टेट्स अरुणाचल प्रदेश का है, उससे हक आपका कम नहीं है। आप भी इसके बराबर के हकदार हैं। और मैं हर किसी को कहता हूँ, ये राष्ट्रपति भवन हर इस देश के नागरिक का है, उसमें जम्मू कश्मीर भी शामिल है। वतन को बनाने के लिए वतन को ठीक से जानना बहुत ज़रूरी होता है, और शायद इसी मकसद से आप सब लोगों के लिए ये कार्यक्रम बनाया गया। लेकिन जब किसी को जानने की बात होती है तो हमें किसी को सुनना भी पड़ता है, अर्थात सुनने के लिए वी हैव टू कम इन कॉन्टैक्ट विथ सम अदर पर्सन्स आल्सो। किसी को, किसी जगह को जानने के लिए नई नई जगहों पर नए लोगों के बारे में भी हमें जानना होता है। मुझे ये भी बताया गया, जिसका आप लोगों ने भी जिक्र किया, आगरा, जयपुर, अजमेर, दिल्ली में बहुत सारी जगहें देखी हैं। इन शहरों में आपने देखा होगा कि उनके खाने पहनने के तौर तरीके कुछ हो सकते हैं, अलग हो सकते हैं। लेकिन एक जिस बच्चे ने, बच्ची ने जो गोलगप्पे की बात कही थी, गोलगप्पे की बात, उससे आप हिंदुस्तानियों के दिलों में, जम्मू कश्मीर के छोड़ करके हिंदुस्तानियों, बाकी हिंदुस्तानियों के दिलों में आप सब लोगों के प्रति कितना प्यार है, वो उससे झलकता था। आपने सबको थोड़ा सा ज़रूर महसूस हुआ होगा कि भाई इन लोगों का कुछ ड्रेस अलग है, कुछ बोलचाल की भाषा अलग है, कुछ उनके तौर तरीके, रीति रिवाज अलग हैं, आप सबको लगा होगा। लेकिन उसके साथ साथ आपको ये भी लगा होगा कि भी ये सभी हिंदुस्तानी हम में से एक ही हैं और हमारे जैसे ही लगते हैं। वे आप, हम सबके वतन हैं और आप सबसे मोहब्बत भी करते हैं। मुझे उम्मीद है कि आप में से बहुत से बच्चों को परवेज़ रसूल के बारे में मालूम होगा। परवेज़ भारत की क्रिकेट टीम में खेला करते थे। शुभम खजूरिया ने भी युवा क्रिकेट खिलाड़ियों में अपनी पहचान बनाई। आप में से कुछ बच्चों ने शाह फैसल का नाम भी सुना होगा, जो सन 2009 में भारत के सबसे बड़े इम्तिहान में अव्वल आए और आईएएस अफसर बने। सन 2015 के आईएएस के इम्तिहान में अतहर आमिर खान सेकंड पोजीशन पर आए। लड़कियों में आईएएस बनने वाली आयुषी सूदन का नाम भी उल्लेखनीय है। लगभग 20 वर्ष की आयु में ही राहुल डोगरा ने अपनी अद्भुत चित्रकला से लोगों का ध्यान आकर्षित किया। मैंने अखबारों में देखा कि पिछले साल जम्मू कश्मीर के 30-32 बच्चे आईआईटी और एनआईटी में दाखिले के लिए कड़ा इम्तिहान पास करके कामयाब हुए। इस तरह जम्मू कश्मीर के बच्चों की कामयाबी की फहरिस्त गिनाते जाएँ तो सिलसिला चलता ही रहेगा। पूरे वतन को जम्मू कश्मीर के होनहार बच्चों पर नाज है। आप सभी बच्चों में बेहतरीन टैलेंट है और आप सभी कामयाबी की बुलंदियां हासिल कर सकते हैं। मुझे पूरी उम्मीद है
कि आप सब भी कामयाबी की नई मिसालें कायम करेंगे, साथ ही आप अमन परस्ती का पैगाम अपने साथियों और अपने आसपास के लोगों में भी फैलाएंगे। मैं आप सबकी कामयाबी और खुशी के लिए दुआ देता हूँ। आप सभी प्यारे बच्चे हमेशा खुश रहें, कामयाब रहें, और लास्ट में मैं कहूँगा, यू हैव टू बिकम द एम्बेसडर ऑफ पीस एंड प्रॉस्पेरिटी फॉर द जम्मू एंड कश्मीर। धन्यवाद। जय हिंद।